जी प्रभु। जय बद्री विशाल। आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तारीख के अनुसार यदि देखें तो 20 अप्रैल 2023 है। प्रातः लगभग 6:30 बजे हैं। अभी इस समय हम लोग बद्रीनाथ, जो धरती का वैकुंठ जिसे माना जाता है, उस वो वैकुंठ के जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के आश्रम में हैं। ये उत्तरामनाय ज्योतिष पीठ के अंतर्गत आता है, जिनके इष्ट भगवान बद्री विशाल हैं। ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज जी हैं। आइए आज हिमपात के इस सुंदर दृश्य को आप सभी को भी दर्शन कराएं। इस समय हम लोग शेष नेत्र आश्रम में हैं। अब शेष नेत्र आश्रम से हम भगवान बद्री विशाल जी के मंदिर के पास चल रहे हैं। तप्तकुंड में स्नान करेंगे और साथ ही बद्रीनाथ जी के इस भू वैकुंठ की कुछ गतिविधियाँ, यहाँ के कुछ दर्शनीय स्थल इस अद्भुत समय में आपको दिखाएंगे। हम कैमरा पर्सन से अनुरोध करेंगे कि वो उधर झील की तरफ दिखाएं। आप देखिए, ये झील देख रहे होंगे आप, ये दो झील है यहाँ पे, एक बद्रीश झील और एक शेष नेत्र झील, जो हमारे शेष नेत्र आश्रम के दाहिने और बाएं दोनों तरफ है। ये बद्रीश झील है, शेष नेत्र झील है, उस तरफ बद्रीश झील है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ इसमें पूरा जल तो है ही, जल के ऊपर हिंद की एक परत भी जम चुकी है काफ़ी। अब धीरे से और आगे बढ़ेंगे तो आइए। जय बद्री विशाल, जय बद्री नारायण, जय बद्री नारायण। हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये एक शिला है। ये कहते हैं कि भगवान जो बद्री विशाल हैं उनका नेत्र है। ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य द्वितीयाधीश्वर पूज्यपाद स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज श्री ने इस शिला का अन्वेषण किया था और उन्होंने बताया था कि भगवान लक्ष्मी नारायण के, भगवान श्री महाविष्णु के ये नेत्र हैं। इस शिला में अभी भी आँख बनी हुई है। जब आप इस शिला को देखेंगे तो आप पाएंगे कि सामने से चक्षु बनी है। तो ये माना जाता है कि किसी समय में ये दोनों झील एक थे और इसके बीचों बीच ये शिलाएँ थी, फिर कालक्रम से दो हुआ और अभी अब पूरी तरह से दो हो चुका है। बीच में ये शिला अभी भी सुरक्षित है। मास्टर प्लान में ये शिला भी आ गया था, तो शंकराचार्य जी महाराज ने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से कह करके इसके प्राचीन महत्व को जब बताया तो फिर ये शिला अब सुरक्षित है और इसके दर्शन जो लोग जानते हैं वो करते हैं। अब आगे बढ़िए। ज्योतिष पीठ के तीन मठ हैं बद्रीनाथ धाम। एक मठ से हम लोग निकल करके शेष नेत्र परिसर से मणिरत्नेश्वर मंदिर परिसर में आए हैं। ये परिसर भी शंकराचार्य जी महाराज का है। इस मणिरत्नेश्वर मंदिर परिसर में लगभग लोगों के रुकने के लिए, जो शंकराचार्य जी के और सनातन धर्म के लोग हैं, उनके रुकने के लिए लगभग 15 कमरे हैं जिसमें वो आते हैं बद्रीनाथ धाम पर रुकते हैं। साथ ही यहाँ पर भगवान मणिरत्नेश्वर महादेव का मंदिर है। ये मणिरत्नेश्वर महादेव भगवान का मंदिर, इसमें जो विग्रह है उनकी पूजा 6 महीने यहाँ होती है और 6 महीने ज्योतिर्मठ में होती है। जैसे भगवान बद्री विशाल की पूजा नरसिंह मंदिर में होती है, वैसे यहाँ मणिरत्नेश्वर महादेव की पूजा शंकराचार्य जी महाराज का जो पीठ है, ज्योतिष पीठ, उस पीठ परिसर में मणिरत्नेश्वर महादेव की देवी पूजा होती है। देखिए वर्ष की क्या स्थिति है रात भर में। अब ये जैसे ही थोड़ा सा धूप होगा तो ये बर्फ अपने आप नीचे की ओर आ जाएगी। पुश है ना? नहीं नहीं, देखिए इधर आइए इधर। जय बद्री विशाल, बोलो बोलो। जय बद्री विशाल, 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 जय बद्री विशाल। ये मंदिर के विषय में हमने आपको बताया था कि भगवान मणिरत्नेश्वर महादेव जी का मंदिर है। यहाँ पर 6 महीने विधि विधान से शंकराचार्य जी महाराज के जो पुजारीगण हैं वो यहाँ पर भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। आइए हम अपने आश्रम से आगे निकल के भगवान बद्री विशाल जी के मंदिर की ओर आगे बढ़ते हैं। जय बद्री विशाल। ओके, अब ये किधर हमारी ले लीजिए। भाई जय बद्री विशाल, 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 जय बद्री विशाल।
अभी हम लोग शेष नेत्र आश्रम और मणि रत्नेश्वर मंदिर परिसर से अब भगवान बद्री विशाल के मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये वो चौराहा है जहाँ से आगे इधर परमार्थ के लिए रास्ता जाता है, पीछे बीआरओ है और आगे भगवान बद्री विशाल जी के जाने का मार्ग है। आप विहंगम दृश्य को देखिए, इस समय इस पूरे परिसर में सिवाय हम लोगों के और कोई दिखेगा नहीं आपको। भगवान बद्री विशाल सबके ऊपर कृपा बनाए रखें। जय नारायण। ये अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये दूसरा झील आप देख रहे हैं इस समय। ये पूरा परिसर है, बड़ी बड़ी मशीनें सब ऐसे ही रुक गई हैं। ये हमारे साथी लोग हैं और भी दूसरे हमारे सहयोगी आ रहे हैं, इस समय स्नान के लिए चल रहे हैं हम लोग तप्तकुंड। ये बीआरओ का वो स्थान है। जय बद्री विशाल भगवान। बड़ा ही अद्भुत दृश्य है, कष्टकारी वैसे तो हिम होने के कारण थोड़ा है, लेकिन भगवान बद्री विशाल का ये महात्म्य है, ये उनका वैशिष्ट्य है, जिसके कारण लोग दुनिया भर के कष्ट को सहते हुए भी यहाँ आना, इस भूमि को प्रणाम करना, इस भूमि को स्पर्श करना, इस धरती को देख लेना ही अपने जीवन की सफलता समझते हैं। भगवान बद्री विशाल सबके ऊपर कृपा बनाए रखें। हम लोग इस स्थान पर खड़े हैं, ये मध्यम उधर का मुख्य मार्ग पहले यही था, यहीं से भगवान बद्री विशाल के इस धाम में मंदिर दर्शन के लिए जाते थे इस बार, लेकिन अभी शुरुआत में उसको शायद बंद करके रखा जाएगा क्योंकि प्रोजेक्ट का कुछ काम चल रहा है। यहाँ से बद्री विशाल जी के मंदिर की तरफ चलेंगे हम लोग। आइए, अभी आ गए हैं जो भगवान जी के दर्शन के लिए। अब हम लोग इस तिराहे पे आ गए हैं, यहाँ से एक रास्ता इधर मंदिर की तरफ जाता है और एक रास्ता इधर से भी मंदिर की ओर जाता है। इधर चूँकि अपना मठ है, हम लोग इस रास्ते से आगे बढ़ते हैं। आइए। ओके जी, चलते चलते बताएंगे, ठीक इशारा। अभी हम लोग इस समय देवलोक होटल, जो यहाँ का बहुत प्रसिद्ध होटल है, इसके ठीक सामने है। इसके बाद आप इधर देख रहे होंगे कि नई दुकानें बनी हैं इस बार, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम खूब चल रहा है, तो पुरानी दुकानें जो मंदिर के आसपास थी वो सब टूट गई हैं, तो उन लोगों के लिए संभवतः नई दुकानें प्रशासन ने बनाई इधर भी और पीछे की तरफ भी। इसे भी आप देख लें। अब हम लोग नीचे की ओर बढ़ रहे हैं, अपने शंकराचार्य आश्रम टैक्सी स्टैंड की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है महाराज जी, थोड़ी भेजने हैं व्हाट्सएप, एक नंबर दूंगा मैं आपको। ब्रह्मचर्य जी का फोन है। इस समय हम लोग टैक्सी स्टैंड वाले परिसर में आ चुके हैं। ये टैक्सी स्टैंड है, जो विशिष्ट लोगों की गाड़ियाँ आती हैं उनको यहाँ तक परमिशन दी जाती है, उनकी गाड़ियाँ यहीं रुकती है। पीछे बहुत सारी दुकानें हैं। यहीं पर ज्योतिष पीठ का तीसरा मठ है बद्रीनाथ धाम में, श्री शंकराचार्य आश्रम, आप देख रहे होंगे बोर्ड पूज्य महाराज श्री का। ये सबसे प्राचीन मठ है ज्योतिर्मठ का। पूज्य महाराज श्री जब भी आते रहे यहीं पर विश्राम करते रहे, अभी भी महाराज श्री जब आते हैं तो यहीं विश्राम करते हैं। वर्तमान महाराज जी भी 26 तारीख को आने वाले हैं, वो भी इसी मठ में रात्रि विश्राम करेंगे। अब हम लोग अलकनंदा जी के किनारे पहुँचने वाले हैं। अलकनंदा जी जैसे ही हम क्रॉस करेंगे उसके ठीक बाद भगवान बद्री विशाल का दिव्य मंदिर, दिव्य दर्शन हम सबको प्राप्त होगा। आइए चलें। यहाँ पे साकेत होटल है, बीच में एक नया दूसरा शॉप है। अब हम लोग भगवान बद्री विशाल के मंदिर के करीब चलते हैं, धीरे से चलिएगा।